और वो ना जो मोटा को आप ना जलेबी को ना बहुत ज्यादा खा देना। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर चैनल जोहार। नमस्ते, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह का नज़ारा है फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं छत पे आई हूँ और मैं अक्सर 5 बजे के बाद आ ही जाती हूँ, 5 और 6 बजे के बीच में आ ही जाती हूँ छत पे, जो कि मुझे ऐसा टहलना यहाँ पर ब्रश व्रश करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आ जाती हूँ और मैं अभी आ भी गई हूँ। मैंने ब्रश व्रश फ्रेश वगैरह सारे हो चुके हैं, मैं ब्रश कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ी देर टहलूँगी। और मुझे जो भी करने होते हैं ना, थोड़े मोड़े से एक्सरसाइज या योगा कुछ भी बोल सकते हो, वो सब करती हूँ, थोड़ी मोड़ी एक्टिविटी करती हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद नीचे जाके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगे, आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये है गोभी का पेस्ट, गोभी और फली का पेस्ट। हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्सी जार को साफ करके इसमें डाला था, इसलिए थोड़ा सा पानी वानी इसमें दिखाई दे रहा है, बट बाकी ये जो पेस्ट है वो सूखी ही बनी थी। मैंने थोड़ा सा साफ करके पानी डाल के साफ़ किया, इसलिए थोड़ा सा गीला गीला सा दिख रहा है। तो इसमें मैं डालूंगी गेहूँ के आटे को। हाँ, और ये देखो डाल दिया मैंने, और इसमें डालूंगी नमक जितनी हमें चाहिए होती है आटे की डोर के लिए, ज़्यादा नहीं डालती, ज़्यादा फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हल्की सी चिली पाउडर डालूंगी क्योंकि बेटे का खाना है, तो मैं बहुत ही कम डाली हूँ नाम का, सिर्फ नाम का। और चलो इसको इसमें सख्त आटे का डो तैयार करते हैं। और यहाँ पे हमारी पराठे रेडी हो गई थी, अलग तरीके से बनाई थी ना मैं अपने पराठे को। मैं हमेशा ऐसे नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, मैं भी सबकी तरह सब्ज़ी पहले से बना के मैं भी सबकी तरह ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा, इसलिए बना लिया। बाकी ये जो पराठे मैंने अभी बनाए हैं ना, वो उतने खास नहीं लगे, उतने खास मतलब अच्छे लग रहे थे, इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे कि खा ही ना पाएँ। लेकिन वो वाले पराठे में ना, जिसमें गोभी को बारीक बारीक काट के पहले उसको अच्छे से सब्ज़ी बनाओ, उसके बाद में लोई के अंदर में डाल डाल के बेल बेल के बनाओ, वो वाले पराठे ना सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसमें क्या है, मैंने मिक्सी में पूरे पीस दिए थे, इसको अच्छे से फाइन हो गई थी एकदम चिकना, वो आटे में मिल गई थी, तो गोभी का पता ही नहीं चल रहा था, गोभी पराठे खा रही मैं ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि इसमें ना पतले पतले से देख सकते हैं, पतले पतले से ही बनाए थे नॉर्मल पराठों की तरह, और उसमें क्या होता है मोटा मोटा बना रहे जो कि पराठे खा रहे हैं जैसे लगता है। यहाँ पे मेरे बेटे की आवाज़ सुन रही जो कि फ़ोन में बात कर रहा है अपने घर वालों से, आई मीन दादी और बुआ सबसे। अरे नए जमाने हैं ना भाई, जमाएंगे ना जी, नए जमाने हैं ना, अम्मी ही को जमाते हैं। ये बाबू, हाँ, लो ना एक बार नामा सुना दो जी। नहीं सुनाना? नहीं सुनाना जी, अच्छा लगता है नामा ना पास का बाबू। लो ना, लो ना, हाँ, आप बोल के सुनाओ ना, क्या बोलते हो? बेटा ना फोन में बात करते करते एकदम गुस्सा हो गया था, क्योंकि बुआ बोल रही थी गाना सुनाओ और वो गा के सुनाओ बोल रही थी, और इसको लगाओ भी फ़ोन में, फ़ोन से जब नहीं निकाल के सुनाए गाना तो गुस्सा हो गया था। और यहाँ पे हमारी हो रही थी लंच, लंच में ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आप देख पा रहे हैं यही बना है, और लंच हम कर लेंगे।
आई होप ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, बेटे की आवाज़ और मॉर्निंग रूटीन, मतलब ऐसा होता ना अभी यही सब हो रहा है, जो भी होता है सब चीज़ आप सबसे शेयर करती हूँ, जो भी सिंपल अच्छा बुरा खाना पीना। और घर पे रह के हम कर भी क्या सकते हैं ना, सिर्फ खाना बना के खा ही सकते हैं ना, खाना बनाओ खाओ। और बाहर जाते हैं तो बाहर के व्लॉग शूट करके आप सबको शेयर करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल घर पर ही हैं तो घर का भी व्लॉग आप सबको शेयर कर रही हूँ, रूटीन वगैरह। यहाँ पे हम शाम को स्नैक खा रहे थे, मुर्रा के साथ में मिक्सचर और बिस्किट को मिक्स करके खा रहे थे, बिस्किट को नहीं मुर्रा को, मुर्रा और मिक्सचर को मिक्स किए थे और वो उसके ना ऐसे डिप कर करके चाय के साथ खा रहे थे बिस्किट को। तो आप सबको मुर्रा पसंद है क्या? हमारे यहाँ तो बहुत पसंद है, घर पे हमेशा रहता ही है, जैसे मेरे यहाँ पे भी नहीं भी रहेगा ना तो भी चलेगा, बट हमारे घर पे, हमारे फैमिली घर पे रहता ही रहता है, जब चाहे निकाल के खा लो ऐसा होता है, चटनी डाल के खा लो या फिर मिक्सचर डाल के खा लो या फिर ऐसे भी खा लेते हैं, गुड़ के साथ खा लेते हैं, चाय के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाय के साथ तो खानी ही है। सब ऐसी सुबह होता है ना तो जैसे नाश्ता नहीं बना है, वैसे हमारे गांव में नाश्ता बनता ही है हर रोज़, लेकिन जैसे नहीं बनी है, बनने वाली है अभी पकी नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में भी जल्दी जल्दी से खा लेते हैं मुर्रा को। तो मुर्रा गाँव वालों के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फूड है, बहुत ही ज़्यादा, उसको रखना ज़रूरी ही है। हाँ तो उसी को खा रहे थे, उसी को मिक्स करके भी मैं खा रही थी हॉट पुट में, क्योंकि साथ में चाय खाते रहो पीते रहो। यहाँ पर ना मेरे बेटा थोड़ा थोड़ा बदमाशी, बातें बातें होती रहती है हमारे बीच में, लेकिन अभी कूलर चल रही थी ना सामने में, देख सकते हैं मेरे हेयर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कूलर चल रहा था और मतलब हमारी बातें ना आप सबको सुनाई नहीं देती, इसलिए म्यूट कर दी थी मैं, और म्यूट करके आप सबको वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी कहीं ना कहीं लगी ही होगी, अच्छी लगी हो ना फ्रेंड्स, तो क्या करना है आप सबको पता है ना, लाइक करनी है, कमेंट करनी है, कुछ अच्छा सा कमेंट जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो, तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जा रहा। इसके बाद अब सीधे डिनर पर मिलते हैं आप सबको, है ना। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, ये जो आप एक सूट जो मैंने पहन रखा है इसके बारे में बताती हूँ, ये सूट ना मैंने ही बनाए हैं, मेरी एक साड़ी है उससे मैंने बनाए हैं इस सूट को। पहली बार जब मैं सिलाई विलाई मतलब सिलाई सीख तो मैं अभी भी रही हूँ, लेकिन जब मैंने शुरू मशीन मंगाया था ना अपने घर पे, तो मैंने ट्राई किया था बनाने के लिए, बनाने की कोशिश करी थी यूट्यूब से देख देख कर, तो ये वही साड़ी है। और मैंने जब इसको बनाया था तो आप सबको शेयर भी किया था कि मैंने इसको बनाया है बोल के। अब मैं इसको बाहर जाती हूँ तो नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिन है, साड़ी एक कपड़ा कैसे रहेगा, उसमें मैंने अस्तर भी नहीं डाले हैं, तो मैं ऐसे ही घर पे रहती हूँ ना तो पहन लेती हूँ। चलो हंसाओ, ये ना ऐसे बोलते थे ना तो लल्ला एकदम खुशी के मारे फूले ना समाना वैसे हो जाता था। मत हंसाओ मत हंसाओ बोलना, अभी रुको तो ये भी हंसेगा वैसे। हंसो 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 कुछ फ्रेंड्स, ये हमारे पड़ोसी बच्चा है जिसका नाम चिराग है, बहुत प्यारा बच्चा है। दुर्गा जब नवरात्रि चल रही थी ना तो नवरात्रि के पहले दिन में हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छे दिन में हुआ था, शुभ दिन में हुआ था। और इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआ दे दीजिएगा आप लोग कमेंट में, बिकॉज ये भी प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छे घर से है, हमारे नेबर्स हैं यहाँ साइड पे, जिनके हमारा बहुत आना जाना होता है और बहुत पास के हैं, तो ऐसा होता है ना कि पड़ोसी होकर भी अच्छे से रहते हैं वैसे ही हैं। और ये इनके घर का चिराग है इसीलिए इसका नाम चिराग रखे हैं कैसे लगा ये आप सब बताइएगा, ओके। तो मिलते हैं नए वीडियो पे, आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।